ताल से बोलिए जय सुरेंद्र, जिस साधन से आया है आराम से धीरे धीरे जाइएगा, कहीं किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। और क्या कहना है, आज जिस लाखीपुर में आप हैं इसी लाखीपुर में आपका आना मना था, आपको कैसा लगा आप बताएं? हूँ आपको बता नहीं, आपके सामने यहाँ लोगों ने अपने पैसे से इसी मैदान में आपके सामने लोग उपस्थित हैं, और ये लड़ाई जो ओम प्रकाश राजभर ने फानी है ये 20 साल से हम समझा रहे हैं, और स्वाभाविक है कि लड़ाई कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, उसके बाद कुछ साथी इधर उधर होते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। हम बहुत साफ साफ जानते हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए अपना पैसा लगा के ये लोग आए थे, जातिवार जनगणना के लिए अपना पैसा लगा के लोग आए, रोजगार परक शिक्षा के लिए अपना पैसा लगा के आ रहे हैं, एक घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के लिए, प्रदेश में शराबबंदी के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे ये लोग अपना अपना पैसा लगा के लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनको समझाते हैं कि लड़ाई आपकी है हमारी है, हम सबको मिल करके लड़ना है, तो सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं, और किसी के मना करने से कोई मानने वाला नहीं है। ब्रजेश पाठक जी के साथ मन साझा किया है आपने, बीजेपी के बहुत करीब आ गए हैं, क्या कहना है? नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा उनका 17 साल का संबंध है, वो बसपा में थे तो मैं भी बसपा में था, बीजेपी में वो मंत्री बने तो हम भी मंत्री बने, अब वो मिनिस्टर हैं हम नहीं हैं, लेकिन संबंध है। वहाँ एक हॉस्पिटल का हमारे शिविंदर सिंह कॉलेज चलाते हैं, उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है निःशुल्क, कि हम वहाँ गरीबों का इलाज निःशुल्क करेंगे, तो उस बात को लेकर उनके पास हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम चलेंगे, जब ऐसी बात है लोग पैसा देकर के इलाज नहीं पा रहे हैं, निःशुल्क बात है तो मैं चलूंगा उद्घाटन में, वो किसी पार्टी का मंच नहीं था। बल्कि सावधान रथ यात्रा को आपकी महत्वाकांक्षा से जोड़ के देखा जा रहा है, क्या कहना है? देखिए अलग अलग सोच सबकी है, और महत्वाकांक्षा होता तो हम मंत्री पद इस्तीफा दे के थोड़ा आ जाते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर देश में दूसरे नंबर पर कोई मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राजभर, हम भी अगर जूता पॉलिश करते मालिश लगाते हम भी 5 साल वहीं रसमलाई काटते हैं, लेकिन छोड़ छाड़ दिए। हमको इनके साथ लड़ने में, गरीब कमजोर के साथ रहने बहुत आनंद है। मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्या इच्छा है? क्या आपको बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे? आपसे हम पूछ रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। हर नेता का सपना होता है कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं, हम भी मुख्यमंत्री बन जाएं, हम भी मंत्री बन जाएं, हम भी सांसद बन जाएं, हर आदमी का सपना होता है। क्या लगता है कितनी दूर हैं आप मुख्यमंत्री की कुर्सी से? अभी तो हम यहाँ से कम हमको अंदाज है कि लगभग 300 किलोमीटर दूर हैं। आपने योगी से मुलाकात की? 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने के अंदर सरकार शामिल करे। 2 महीना बीत गया, कोई हिम्मत नहीं किया कि जाके मिले। एक दिन मैंने मन बनाया कि चलो मिला जाए, टाइम लिया जाए, हो सकता भेंट हो जाए। गए मिले तो उनको जब पूरी बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पक्की नकल लेके आओ। तब फिर उसी बीच में प्रदीप दुबे जी जो विधानसभा के प्रमुख महासचिव हैं उनसे भी मिला कि हो सकता है विधानसभा में कभी कोई कार्रवाई हुई हो। तो 8वीं विधानसभा जब चला था तो उस समय भी भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन दिल्ली नहीं गया था। तो उसको जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये प्रस्ताव हम दिल्ली भेज देंगे, और आप भी मेहनत करो, हम भी आपकी मदद करेंगे, वहाँ से पास करा लो। और दूसरा, भू माफिया के नाम पर दशकों से बसे हुए भूमिहीन लोग, गरीब लोग, कमजोर, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, तो उस बात को भी मुख्यमंत्री से अवगत कराया कि एक तरफ आप छत बनाने की बात करते हैं गरीबों के, दूसरी तरफ गरीबों के छत गांव में रंजिश बद प्रधानी की 3-3, 4-4 गोल है, उसके शिकार होकर के गरीब कमजोर का मकान गिराया जा रहा है, इससे उनको निजात दिलाइए। तो उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव को कहा कि आज के बाद दोबारा ये राजभर की शिकायत मेरे यहाँ नहीं आनी चाहिए। दीपावली में दरिद्र खेलने की बात कहे हैं आप, इशारा किसकी तरफ, किसको खेलना चाहते हैं? महाराज जी तो हजारों साल से दरिद्र खेला था। यूपी की राजनीति में राक्षस अराउंड किए बात के खेले के बाद देखिए, गरीब ये राक्षस हैं, राक्षस रूपी रावण है, अगर ये भाग जाए तो हमारा आपका सबका कल्याण हो जाए। जिस तरह से अमित राजभर ने आपको के ऊपर आरोप लगाया कि ओम प्रकाश जी अब असलम राजभर जी हो गए हैं, क्या मत कहना चाहते हैं? हो सकता है मंत्री जी अपना ऑपरेशन करवा लिए हैं,
इस्लाम कबूल कर लिए हों। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। आपके भगोड़ा विधायक फरार हैं, उनकी जमीन कुर्क होने जा रही है, क्या कहेंगे? वो तो कोर्ट का आदेश है, न्यायालय अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। मंचबा बकाने बुला रहे हैं, हाई कोर्ट रोक लगा दिया। अरे हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि वो हाजिर होकर के अपनी कोर्ट में हाजिर हो जाए। हम तो आपके माध्यम से बार बार कहता हूँ, हाजिर हो जाए। आपके विधायक आपकी बात नहीं सुनते हैं? अब न सुने तो क्या करें, मारी उन्हें। मामला फंस गया 5 साल का ना ही महाराज, कहाँ मामला फसल। अरे कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, फिर आपके बीच में आ जाएंगे। मऊ की जनता का विकास जब विधायक रहेंगे फरार, 20-20 साल से सांसद हैं जेल में, तो वहाँ की जनता का कैसे हो रहा है विकास?